Welcome to Digi for Tech. Please subscribe and press the bell icon. Google Now पे अब आपको इरेज करने का फीचर मिल जाएगा अपने वॉइस लॉक को नए अपडेट के बाद से. गूगल ने ऐसा कहा है कि इसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए. एचपी ने अपना ओमेन सीरीज का गेमिंग वाला लैपटॉप जो ड्वेल स्क्रीन डिजाइन के साथ लॉन्च कर दिया है. इसमें आपको मिलेगा 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा 15 इंच का, और 6 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले अलग मिलेगा. इसकी प्राइस है 1,48,000 रुपये. इसमें एनवीडिया का RTX 2080 वाला ग्राफिक कार्ड है. सैमसंग का गैलेक्सी नोट 10 प्रो नाम के मॉडल को बेंचमार्क पे विजिट किया गया है. इसके अकॉर्डिंग इस फोन ने 478 स्कोर जनरेट किया है आउट ऑफ 555 में, और ये फोन 4G और 5G वेरिएंट के साथ आ सकता है. इसमें मिलेगा एक्सिनोस का 9825 वाला SoC 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला, जो कि एम्बलॉयड रहेगा, होल पंच डिजाइन रहेगा. साइंटिस्ट ने कहा है कि हमारा जो मून है वो श्रिंक होता है और व्रिंकलिंग होता है, यानी कि घटता है बढ़ता है कम से कम 50 मीटर, 150 फीट इतना, ऐसा नासा के साइंटिस्ट ने कंफर्म किया. और ये हो रहा है 1970 से लेके आज तक. बिटकॉइन अपने फिर अगेन टॉप पोजीशन पे पहुंच गया है. अब इसकी वैल्यू हो गई है $8,000, और ये बढ़ रहा है अभी कंटिन्यूसली. कल भी बढ़ा था, आज भी बढ़ा है. अब इसकी वैल्यू है एक बिटकॉइन बराबर 5.63 लाख रुपीज. ओप्पो का रेनो का जेड सीरीज वाला एक फोन, यानी कि ओप्पो रेनो जेड लीक हुआ है. इसमें आपको मिल सकता है हीलियो का P90 SoC, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 3950 mAh की बैटरी, 6GB की रैम. व्हाट्सएप का नया इमोजी अपडेट आ चुका है. इसमें 155 इमोजी को रीडिजाइन किया गया है डार्क मोड के अकॉर्डिंग, ताकि ये इमोजी अच्छे से आपको विजिबल हो सके डार्क मोड पे. अगर आप इसे यूज करते हैं एंड्रॉयड के बीटा वर्जन 2.19.139 पे, तो आपको ये मिल गया है. फिलहाल स्टेबल के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही आपको मिल जाएगा. एप्पल ने अपने iOS 12.3 का अपडेट रिलीज कर दिया है अपने आईफोन के लिए. उसी तरीके से tvOS का भी 12.3 वर्जन लॉन्च किया गया है. वॉच ओएस के लिए 5.2.1 लॉन्च किया गया है, और मैक ओएस के लिए 10.14.5 लॉन्च किया गया है. आप इसे जल्द से जल्द अपडेट कर ले. इसमें काफी नए सारे फीचर्स दिए गए हैं, रीडिजाइन किए गए हैं, और यूजर इंटरफेस में चेंजेस किए गए हैं. ऑनर ने टीज कर दिया है कि ऑनर 20 और 20 प्रो पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप वाला डिजाइन देखने को मिल सकता है, और ये फोन रिलीज हो सकता है 31 मई 2019 को चाइना में. हुआवे का Y9 प्राइम 2019 के नाम से एक नया फोन आ सकता है, जिसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, हाई सिलिकन किरिन 710F सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा, और ये ड्वेल टोन डिजाइन के साथ आ सकता है. नासा ने कहा है कि 2024 को वो नए मून तक चले जाएंगे, जिसका नाम है आर्टिमिसियस, और इसमें जाने का टोटल खर्चा आएगा $1.6 बिलियन. AMD का नया ग्राफिक कार्ड कुछ लीक हुआ है, जिसका मॉडल नंबर है RX640, RX630. इसे स्पॉट किया गया है AMD के ऑफिशियल वेबसाइट पे ड्राइवर अपडेट वाले पेज पे. Redmi का एक नया स्मार्टफोन आ सकता है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा, पंच होल डिजाइन मिल सकता है, और इसमें स्नैपड्रैगन 730 या 730G वाला प्रोसेसर हो सकता है. मेरे हिसाब से ये फोन होगा MI का A3, जो कि एक एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम बेस्ड फोन रहता है. अब देखना ये है कि MI इस फोन को, या फिर बोला जाए Redmi by Xiaomi, इस फोन को किस प्राइस टैग पे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करता है. लेनोवो ने अनवील कर दिया है दुनिया का पहला फोल्डेबल PC. अब आप इसे यूज कर सकते हैं. इसमें आपको मिलेगा 11 घंटे का बैटरी बैकअप, 14 इंच का डिस्प्ले है, और 2020 तक ये कमर्शियली वे पे आ जाएगा.
एप्पल टीवी ऐप का एक रिमेंड एडिशन लॉन्च हुआ है, यानी कि पूरे ऐप के यूजर इंटरफेस को स्मार्ट टीवी के लिए और लैपटॉप के लिए और मोबाइल के लिए, टेबलेट के लिए, सबके लिए रीडिजाइन किया गया है बेहतर यूजर एक्सपीरियंस के लिए। रेडमी ने कंफर्म कर दिया है कि उनका अगला जो फोन आएगा, जो कि एक फ्लेक्सिबल फोन है, उसका जो सीरीज है वो K रहेगा, और K का मतलब उन्होंने कहा है किलर सीरीज, और इसका नाम हो सकता है K20 और K20 Pro, ये दो नाम से आ सकता है। K20 जो आएगा वो 7 सीरीज वाले प्रोसेसर के साथ आएगा, यानी कि 730 730G, और K20 Pro जो रहेगा वो 855 SoC, पॉपअप सेल्फी कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फास्ट चार्जिंग, इस टाइप के फीचर्स के साथ आएगा। और K20 जो है उसका हल्का सा स्लाइटली लाइट वेरिएंट रहेगा, इसमें आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिलेगा, डुअल कैमरा मिलेगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल सकता है। सैमसंग वापस लीड करने लग गया है स्मार्टफोन मार्केट पे, प्रीमियम सेगमेंट पे। Q1 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये निकल के आया है कि सैमसंग वापस पहले नंबर पे आ गया है, और थैंक्स टू सैमसंग का S सीरीज, यानी कि S10 सीरीज, S10e, S10 और S10 प्लस, इन तीनों फोन की वजह से सैमसंग टॉप में वापस आ गया है। रेडमी प्रो 2, या फिर आप बोले पोको F2, या फिर बोले इसे K20, K20 प्रो, ये एक फोन लीक हुआ है रेडमी के वेबसाइट पे चाइना वाले। इसमें आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 18 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, 3600 mAh की बैटरी, 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और ये 27 वॉट का फास्ट चार्जिंग के साथ इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी आपको मिलेगा। Realme 3 इंडियन मार्केट पे टॉप सेलर ब्रांड फोन बन गया है sub 10,000 बजट पे, यानी कि ये फोन 10,000 से नीचे वाले बजट में सबसे ज्यादा बिक रहा है, और इसने अभी तक 5 लाख यूनिट को सेल कर लिया है अपने लॉन्च डेट से आज तक, जो कि एक बड़ा नंबर है, क्योंकि ये फोन सिर्फ आता है 9,000 रुपये में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसका नाम है Digi4Tech, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट खबर जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद।